हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आईएससी के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2017 में, तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से। आइए गिवन पार्ट पढ़ें। क्वेश्चन कहता है, मीता रीतायन संद्रा, तीन पार्टनर है मीता रीतायन संद्रा, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उनकी पीएसआर क्या है इन अ रेशियो ऑफ 2:2:1, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे क्वेश्चन कहता है, मीता हैड पर्सनली गारंटेड, मीता ने क्या गारंटी दी हुई है, पर्सनल गारंटी यानी खुद से गारंटी दी हुई है, दैट इन एनी ईयर संद्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 4% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज, यानी उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा इन दोनों चीजों के बाद, यानी उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है संद्रा को मिल जाएगा, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है वो मिल जाएगा, उसके बाद उसे कम से कम 10,000 रुपए मिलने चाहिए, और अगर ये नहीं मिलते तो इसको कौन बियर करेगा इस डेफिशिएंसी को, इसे बियर करेगा मीता, ये क्योंकि मीता ने गारंटी दी है। आइए जी आगे देखिए क्वेश्चन को, द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2015, हमें कैपिटल दी है मीता 80,000, रीता 50,000, संद्रा 30,000 रुपए। नाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, यानी ना तो हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है इस अमाउंट में से, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसमें जुड़ा हुआ है, ये कितना है 40,000 रुपए का प्रॉफिट है इस साल का हमारा। आगे क्वेश्चन कहता है सॉरी आगे क्वेश्चन कहता है, मीता हैड विड्रॉन 4,000 एंड 1 अप्रैल 2015 वाइल संद्रा विड्रू 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। जैसे ही वर्ड आता है ड्यूरिंग द ईयर, आपको क्या लेना होता है, एवरेज पीरियड लेना होता है। एवरेज पीरियड का मतलब क्या है जी हमारा, 6 महीने, ठीक है, क्योंकि साल पूरा साल 12 महीने का है, तो 6 महीने का या 6 मंथ्स का आपने इंटरेस्ट लगाना है किसके लिए, संद्रा की ड्रॉइंग्स पर। और मीता ने डेट दी हुई है 1 अप्रैल को किया है, तो इसको 12 महीने का इंटरेस्ट लेंगे इससे हम अमाउंट पर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हमें कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 15-16। अब आपको पता है गारंटी के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को ये अज्यूम करके करते हैं गारंटी वाली कहीं बात ही नहीं है, उसके बाद जब सारा क्वेश्चन हम कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या गारंटी की कंडीशन कंप्लाई हुई, पूरी हुई या नहीं हुई। अगर पूरी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन को बंद कर दो, और नहीं हुई तो गारंटी का एडजस्टमेंट कर दो। चलिए तो आइए मेरे साथ सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन ने हमसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है, तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन का हम फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। आइए जी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी, हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है बाय पीएनएल, पीएनएल से हमारे पास प्रॉफिट जो आया है, से आप ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कितना है जी ये 40,000 रुपए का है। हमने पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलग से वर्किंग नोट बनाए, यहीं कर ले मेरे हिसाब से, इसी में कर लेते हैं। आइए तो पार्टनर हमारे ड्रॉइंग दो का था ना, एक तो मीता और एक संद्रा, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे अभी। ऐसे ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इसकी भी कैलकुलेशन हम यहीं कर लेंगे। पार्टनर्स हमारे हैं मीता रीता एंड संद्रा, अमाउंट देख लें एक बार क्वेश्चन में कितना कितना है। देखो अगर बात करो ड्राइंग की, तो 4,000 रुपए है मीता की ड्राइंग और 5,000 है संद्रा की ड्राइंग, और रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये दे रखा है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% पर एनम से, तो 4 और 5, आइए इसे लिख लें हम लोग, 4,000 रुपए और ये 5,000 रुपए, 4% का रेट है, 4% के रेट के हिसाब से इसकी डेट हमें दे रखी है 1 अप्रैल को किया है, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, और संद्रा का उन्होंने डेट नहीं दी, हमने 6 महीने का निकालना है, ठीक है जी। चलिए तो मुझे कैलकुलेट करके बता दो 4,000 पर 4% कितना अमाउंट बनेगा जी। हाँ मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, कितना बता रहे हैं 160 रुपए, ठीक है 160 रुपए आ गया। अच्छा संद्रा के लिए भी बताओ 5,000 पर 4% आधे साल के लिए, या आप कह लो 6 महीने के लिए कितना 100 रुपए, ठीक है 100 रुपीज आ गया, टोटल लिख लें कितना आ गया 260। अच्छा ऐसे ही आ जाओ मीता पर, मीता
और रीता और संद्रा की कैपिटल बता दो मुझे, कितना है? 80, 50 और 30। ठीक है, 80,000, 50,000 और 30,000 ओपनिंग कैपिटल दी हुई है क्योंकि पहले डेट को थी। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर मुझे बताइए? 5%। ठीक है, तो 5% लगा देते हैं, पूरे साल का है, 5% लिखने केवल। हाँ जी, ये कितना बनेगा? 8 का आधा 4,000 रुपये, यहीं लिख लूँ, मेन अमाउंट मेन कॉलम में लिख दूंगा, 4,000 रुपये। और रीता का कितना बनेगा? ये बनता हमारा 5 और उसका आधा 2,500 रुपये। और ये कितना बन जाएगा? 30,000 का 5%, 30,000 का 10% बनता 3,000, आधा हो गया 1,500 रुपये, 1,500। टोटल कर लें हम लोग अब जरा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 1 4, 4 8,000 रुपये हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाल लिया 8,000, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 8,000 रुपये। इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, देखो और क्या क्या बोला था क्वेश्चन ने। उन्होंने बोला था दैट गारंटेड, ये वाली बात हो गई, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया, उसके बाद तो रिमेनिंग प्रॉफिट बटेगा बस। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटना है हमें रेशियो में 2:2:1। तो रिमेनिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें, आइए जी मेरे साथ यहां आ जाइए, रिमेनिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें हम लोग। देखो आप क्या करो, आप क्रेडिट साइड का टोटल करो, पहले कितना आ रहा है? 40,260 रुपये, 40,260 आ गया। अब आप क्या करो, 40,260 में से आप माइनस करो क्या? 8,000 रुपये। ठीक है, 40,260 में से 8 गए तो कितने आ गए? 32,000, सॉरी मुझे रिमेनिंग में लिखना है ना, ये 32,260 रुपये आने चाहिए, 32,260 आ गए। ठीक है, अब ये जो आ गया ये क्या आ गया? रिमेनिंग अमाउंट आ गया। तो टोटल इनका कितना बन गया? 40,260 आ गया। ध्यान रखिएगा ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है हमने। अब ये बैलेंसिंग फिगर आप क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांटेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे तो क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। आइए जी, कैपिटल अकाउंट और रेशियो क्या रखी है हमने? हमने रखी 2:2:1। तो 2:2:1 में बांट के देखें हम लोग, मीता, उसके बाद मीता के बाद कौन है? रीता एंड संद्रा, ये तीन पार्टनर हैं। ठीक है, प्रॉफिट है हमारा 32,260 का, 32,260, 32,260 रुपये। ठीक है, 32 यानी 32,260। इसको 2:2:1 पे यानी कितना हो गया टोटल? 2, 2 और 1, 5। तो 5 में से दो हिस्से किसे मिले? मीता को। 5 में से दो हिस्से मिले रीता को, और 5 में से एक हिस्सा मिला किसको मिला जी? ये मिला संद्रा को। अच्छा, इसे कैलकुलेट करें एक बार, देखें अमाउंट कितना कितना आ रहा है, फिर हम इसे लिखेंगे आगे चल के। ठीक है, एक बार जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे, 32,260 को 5 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, कितना आ रहा है? कितना बता रहे हैं? 12,904, 12,904 रुपये आ रहा है। अच्छा, ऐसे ही मुझे रीता के लिए बताओ, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिख रहा क्या? हाँ, अब ठीक है ना, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई का साइन है। और अच्छा, 32,002, ये सेम अमाउंट आ जाएगा, 12,904। संद्रा के लिए देखो, संद्रा का इसका कितना बनेगा? आधा बन जाएगा 12,904 का, तो कितना बना? 6,452, 6,452। अब देखो, हमने गारंटी दी थी, किसने? मीता ने पर्सनल गारंटी दी थी कि भैया कोई डेफिशिएंसी आती है तो कौन बियर करेगा? मीता बियर करेगी। तो यहां से 10,000 चाहिए, इसका टोटल कितना बनना चाहिए? इसका टोटल बनना चाहिए 10,000 रुपये। तो मैं कैसे करूं इसको, मैं यहां लिखूं क्या इन दोनों को प्लस करके? ऐसे लिख लेता हूं, चलो इसका टोटल 10,000 बनना चाहिए, उसके लिए कुछ डेफिशिएंसी है, तो वो डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट कौन करेंगे? गारंटी एडजस्टमेंट लिखते हैं, गारंटी का एडजस्टमेंट करें और डिफरेंस निकालो जरा, 10,000 में से 4,552 माइनस करो, मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है? कितना बता रहे हैं? 3,000 आगे, 542, 38, कितना बता रहे हैं एक बार सही से बताओ? 3,548। ठीक है, 3,548 रुपये इसको और मिलने चाहिए। ये कौन देगा? ये देगी मीता। तो मीता के यहां से माइनस कर दो गारंटी का एडजस्टमेंट, 3,548 यानी 3,458। अच्छा, आप इसको टोटल कर लो यहां पे, और इसका अमाउंट तो यही है तो यही टोटल रह जाएगा। ठीक
ठीक है, और इन सब का टोटल क्या आएगा बाहर, ये अमाउंट आ जाएगा। थोड़ा प्रेजेंटेशन इश्यू आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्पेस कम था मेरे पास। आपने वैसे लिखना क्या चाहिए था, एक और इनर कॉलम में होना चाहिए था, या फिर एक काम कर लेते हैं, इनको हम इस अमाउंट को बाहर नहीं लिखते, ये 32,260 वाली अमाउंट है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और आप लिखते हैं इनको तरीके से। ऐसा करो फिर, अब ऐसा लिख सकते हैं अब हम, ये लो इस तरीके से लिखेंगे अब हम इसे। ये जरा 12,904 में से 3,548 माइनस करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 9,356, 9,356 रुपए आ गए। और इसके 12,904 ही है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और इसका हो गया पूरा 10,000 रुपये। तो जो गारंटी दी थी उन्होंने, उस पर हमने काम कर लिया। चलिए, तो कैलकुलेशन हमने सारी अंदर ही कर ली। अब अगर आप चाहते, इसे थोड़ा साफ रखना चाहते हो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को, तो ये वर्किंग नोट में बना के कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके यहां दिखाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी, और ये जो कैपिटल अकाउंट में रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएसआर में, उसकी गारंटी एडजस्टमेंट, इसे भी अलग से बाहर वर्किंग नोट में कर सकते हो। चलिए जी, तो आप इसे अब नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके।